students, you are heartily welcome in SBN online class. Today we are going to learn about degree of comparison. तो देखिए, जैसा कि पिछले सत्र में आपने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं, हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं। और दूसरा शब्द जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं डिग्री, तो हमें इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस को समझना चाहिए। एडजेक्टिव जो होती है उसके तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, जिनको वाक्य के अंदर संज्ञाओं के बीच आपस में तुलना करने के लिए, यानी टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू नाउंस आर प्रोनाउंस, यानी दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करने के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वो एडजेक्टिव का रूप जो है वो किस में बदल जाता है, डिग्री में बदल जाता है। और जब उसको वाक्य में प्रयोग करते समय हम कंपैरिजन करते हैं, दो संज्ञाओं की, दो सर्वनाम की, या दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, जैसे किसी क्वालिटी को लेकर, तो किसी में इक्वल क्वालिटी होती है, किसी में थोड़ी सी हायर क्वालिटी होती है, और एक जो होता है हाईएस्ट होता है, एक लोवेस्ट क्वालिटी होती है, तो उन सब चीज़ों को शो करने वाली जो एडजेक्टिव हैं वो डिग्री कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, डिग्री जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी एडजेक्टिव के ये तीन अलग अलग रूप होते हैं जो दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच आपस में तुलना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, रीना इज ए गुड गर्ल, रीना एक अच्छी लड़की है, मीना ऑल्सो ए गुड गर्ल, और मीना भी जो है एक अच्छी लड़की है। यहां पर ये जो नाउन है ये क्या है, नाउन है, कौन सी है, कॉमन नाउन है, जो किसको डेनोट कर रही है, रीना को। इधर ये गर्ल शब्द है मीना को, दोनों के साथ सेम शब्द काम में आया है, तो ऐसे ये नाउन जो होती है वो कॉमन नाउन होती है, जैसा कि अपन ने नाउन के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो देखो, अगर हम इसी वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर दें, थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, जिससे कि दोनों वाक्यों का भावार्थ जो है वो डगमगाए नहीं, सेम ही अभिव्यक्त हो, तो लिखते हैं रीना इज एज गुड, इतनी अच्छी है एज जितनी की मीना। जैसा कि आपको इस वाक्य से पढ़ने में विदित होगा कि ये वही बात कह रहा है कि दोनों जो गर्ल हैं, दोनों जो गर्ल जो हैं, दोनों लड़कियां जो हैं वो कैसी हैं, गुड हैं। तो यहाँ पर तो ये शब्द जो था अलग अलग वाक्यों के अंदर किसके तौर पर था, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कौन सी थी, क्वालिटी वाली थी, जो इनके गुण बता रही थी। लेकिन यहाँ जब एज एज के बीच में इसी शब्द को काम में लिया तो ये यहाँ पर डिग्री के तौर पर काम में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग रूप को कैसे बनाया जाता है और इनको वाक्य में पहचाना कैसे जा सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है या यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। इसके लिए देखो, कोई भी एडजेक्टिव जो होती है, एडजेक्टिव जो भी होती है, यानी किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो आरंभिक तौर पर पॉजिटिव रूप में होते हैं, जैसे टॉल यानी लंबा, लॉन्ग यानी लंबाई में समानांतर लंबा, हाई यानी ऊंचा,
और फास्ट यानी तेज, ये सारी जो हैं एडजेक्टिव हैं। इनके ये रूप जो हैं वो पॉजिटिव डिग्री की श्रेणी में आते हैं जब हम इनको किसके बीच में रखते हैं, एज इत्यादि के बीच में रखते हैं। तो एक पहचान हो गई कि पॉजिटिव डिग्री जो है डायरेक्ट एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव का पहला रूप होता है और वो हमेशा किस में रखी जाती है, एज के बीच रखी जाती है, जिससे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में जो डिग्री है वो कौन सी काम में ली गई है, पॉजिटिव डिग्री इसके अंदर काम में ली गई है। या कई बार वाक्य में देखते हैं, कई बार इसमें एक की तुलना भी जो है ज्यादा से बताई, यानी एक की क्वालिटी पूरे ग्रुप के साथ बता देते हैं, तो उसमें आ जाता है नो अदर। अगर वाक्य में नो अदर का प्रयोग हुआ हो तो समझ लेना चाहिए वहां पर डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो संज्ञाओं के बीच, कितनी संज्ञाओं के बीच, दो संज्ञाओं के बीच आपस में तुलना करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी इसमें बताया जाता है कि कौन किससे ज़्यादा क्वालिटी वाला है। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, जिसके राम जो है श्याम से क्या है, लंबा है। तो यहां कितने के बीच में तुलना हुई, दो संज्ञाओं के रूप में। तो यहां पर डिग्री जो है कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसको कैसे पहचानते हैं, वाक्य के अंदर कौन सा शब्द दिया गया होता है, एक तो देन शब्द दिया गया होता है, इससे हम पहचान लेते हैं। दूसरा आता है देन एनी अदर, देन एनी अदर। अगर ये वाक्य में मिल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस वाक्य के अंदर प्रयुक्त जो डिग्री है वो कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो, एसटी जुड़ा हुआ हो या ईएसटी जुड़ा हुआ हो या उससे पहले मोस्ट इत्यादि लगा हो। तो मोस्ट शब्द से पहचान सकते हैं, द मोस्ट शब्द से पहचान सकते हैं, और यह वाक्य के अंदर ऑफ ऑल का प्रयोग हुआ हो तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री वाक्य में प्रयोग की गई है। अब हम बात करते हैं कि इन डिग्रियों को कैसे बनाया जाता है। तो एडजेक्टिव रूप में जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी जो क्वालिटी है वही उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर कंपरेटिव से देखते हैं कि कंपरेटिव डिग्री में क्या होता है, पीडी का मतलब यहाँ आप समझेंगे पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो क्या जोड़ दें, ईआर जोड़ दें, तो कौन सी डिग्री बन जाती है, कंपरेटिव डिग्री बन जाती है। या किसी पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लिख दे, क्या लिख दे, मोर लिख दे, क्योंकि कई ऐसी एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में ईआर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसी डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय अपन क्या करेंगे, उससे पहले मोर लगाएंगे, तो हम पहचान सकते हैं या बना सकते हैं। इधर क्या होता है, पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के अंदर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगा दिया जाता है या एसटी लगा दिया जाता है। ऐसी डिग्री जिसके अंत में पहले से ई हो तो एसटी लगाएंगे, और या किसी पॉजिटिव डिग्री से पहले अपन मोस्ट लगा दें तो वो कौन सी हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। उदाहरण के तौर पर रीना इज एज हार्ड वर्किंग एज कमल, के रीना इतनी कठोर परिश्रमी है जितनी की कौन है, कमल है। तो यहाँ एजेस के बीच में आते ही हम समझ जाएंगे डिग्री का ये कौन सा रूप है, पीडी है यानी पॉजिटिव डिग्री। तो याद रखिए छात्रों के पॉजिटिव डिग्री जो है हमेशा कहाँ पर रखी जाती है, एजेस। और अगर इसका प्रयोग नहीं हो तो वो किसके तौर पर वाक्य में प्रयुक्त हुई है, एडजेक्टिव के तौर पर। और
इधर देख लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, कमल इज टॉलर देन मनोज, यानी कमल जो है मनोज से क्या है, लंबा है। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या जुड़ा है, ER जुड़ा है। तो यहां कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री हुई, और यह वाक्य के अंदर देन का प्रयोग हुआ है तो समझ लेंगे डिग्री कौन सी हुई, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री हुई। अब इधर देखते हैं, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय विलेज, मेरे गांव में सबसे क्या है, लंबा बालक है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री है ये, इसके अंत में क्या जुड़ा है, EST जुड़ा है। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव, यानी इस राम की तुलना जो है जितने भी बालक उस गांव में हैं उन समस्त बालकों के साथ की गई है, यानी यहां पर क्वालिटी जो राम की है वो किस लेवल पे है, हाईएस्ट। और ये किसी भी तुलना का अंतिम चरण होता है, इससे ज्यादा और तुलना नहीं की जा सकती। या हम इस द शब्द से भी हम पहचान सकते हैं कि डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। या कई बार ऑफ ऑल भी वाक्य में आ जाता है तो समझ लेते हैं कि यहां डिग्री क्या है, सुपरलेटिव है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाई, यानी ऊंचा, EST लगाते क्या हो गया, हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड। यहां पर पीक शब्द न भी लिखते तो कोई बात नहीं थी, यानी ऑफ ऑल अगर वाक्य के अंदर आ गया तो समझ लो यहां पर डिग्री जो है वो कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो किसी भी, हमने देखा कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से कंपरेटिव बनाई जा सकती है, कंपरेटिव से पॉजिटिव बनाई जा सकती है। जैसे आपके वाक्य के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत 9th क्लास में, 10th में, 11th में पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म कीजिए, या इस वाक्य को आप एजेस का प्रयोग करते हुए कंबाइन कीजिए, इसको जोड़िए, तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो कंपरेटिव डिग्री से अगर पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो हम क्या करते हैं, ER को हटा लेते हैं, पॉजिटिव बच जाती है, या मोर को हटा लेते हैं तो पॉजिटिव बच जाती है। सुपरलेटिव में द लगाया उसको हटा लेते हैं, या EST को हटा लेते हैं, या मोस्ट को हटा लेते हैं तो वो डिग्री पॉजिटिव बन जाती है। अगर इसमें ER जोड़ दे तो कंपरेटिव हो जाती है, या इससे पहले मोर लगा दे तो ये कंपरेटिव हो जाती है, या इससे के अंत में पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST जोड़ देते हैं तो ये सुपरलेटिव हो जाती है, और या किसी पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किससे, द शब्द से किया जाता है। अब देखिए कई बार इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि इसमें नो अदर भी आ जाता है। जैसे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नो अदर माउंटेन, यानी कोई भी पर्वत, नो अदर माउंटेन इज एज हाई, इतना ऊंचा नहीं है एज माउंट एवरेस्ट। तो यहां पर देखिए नो अदर भी जो है कौन सी डिग्री के साथ प्रयुक्त किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ। ऐसे ही रीना इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन मीना, यानी मीना से ज्यादा कौन सुंदर है, रीना है। तो इस मोर शब्द से भी हम पहचान जाते हैं कि यहां पर जो पॉजिटिव डिग्री है इससे पहले मोर लगाया है तो यहां पर डिग्री जो हुई वो कौन सी हुई, कंपरेटिव डिग्री हुई। इस प्रकार से वाक्य के अंदर हम
अपनी अंग्रेजी को परिष्कृत करने के लिए, उसको और डेकोर करने के लिए हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एडजेक्टिव को जो है हम डिग्री के तौर पर जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो यहाँ पर वही एडजेक्टिव जो है वो डिग्री में बदल जाती है, और डिग्री में बदल जाने के बाद वही एडजेक्टिव के तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, जिनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पे कहा जाता है, एक को कंपरेटिव के तौर पे कहा जाता है, और तीसरे को सुपरलेटिव के तौर पे कहा जाता है। और ये सारी डिग्री फॉर्म जो होती हैं वो दो संज्ञाओं की या एक संज्ञा की उसके संपूर्ण वर्ग से तुलना करने के लिए काम में ली जाती है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि एडजेक्टिव के डिग्री फॉर्म देखे, जिनके माध्यम से हमने उनको दो संज्ञाओं की तुलना करते हुए या एक संज्ञा की बहुत सारे ज़्यादा संज्ञाओं के साथ तुलना करते हुए वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसका कंपरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, टॉलर हो जाएगा। लोंग का क्या हो जाएगा, लोंगर हो जाएगा। हाई का क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। और फास्ट का फास्टर हो जाएगा। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगी, और हाईएस्ट हो जाएगी, और फास्टेस्ट हो जाएगी। अब कई एडजेक्टिव जो हैं वो ऐसी भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त की जाती हैं जिनके तीनों रूप जो हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सी डी है यानी कंपरेटिव डिग्री है, और बेस्ट ये कौन सी है, एस डी यानी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इनका प्रयोग करते समय या इनके बारे में जानकारी रखते समय ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर कई बार पेपर के अंदर ऐसी डिग्री के बारे में पूछ लेता है जिसके थोड़ा सा कंपरेटिव बनाना या उसका सुपरलेटिव बनाना जो थोड़ा सा टफ होता है या जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है, ऐसी बात वो पूछ लेता है। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।